एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना रिव्यू वन ऑफ दोस योर वेरी हाइप्ड एंड वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी वायरल लिपस्टिक, विच इज दिस लिपस्टिक। दिस वन इज मेबलिन का सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक। ये पाउच लिपस्टिक है एंड इन दिस डेज इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है एंड आई थॉट ऑफ कि इसका रिव्यू किया जाए इस वीडियो में। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल चारों के चारों जो शेड उन्होंने निकाले हैं ऐसे पाउच फॉर्म में, मेरे पास चारों शेड ही है एज यू कैन सी। एंड ये कुछ मुझे इस मेबलिन के ऐसे वाले पैकेज पर रिसीव हुआ था। आई ऑर्डर दिस फ्रॉम एमेजॉन एंड मैं इसका लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस लिंक पर जाके भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। एंड आप जानना चाहते हो कि लिपस्टिक कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, कौन से शेड है मेरे पास एंड शेड कैसे है, कौन से स्किन टोन पे अच्छे लगेंगे एंड प्राइस कैसा है, इसका कैसा प्राइस है एंड हैंड स्वॉच लिप स्वॉच दोनों ही दिखाऊंगी एंड काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी इन दिस वीडियो। एंड अब लोग जानना चाहते हो कि रिव्यू इस लिपस्टिक का एंड स्वॉचेस ऑन माई ब्राउन स्किन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट जंप इन दिस वीडियो। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन एंड ताकि व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस गेट अ नोटिफिकेशन। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर। देयर आई पोस्ट सो मेनी स्टाइल आइडियाज एंड विदाउट एनी मोर बकबक लेट्स गेट इनटू इट। So now let's talk about the packaging of those lipsticks. So these lipsticks are come this kind of a pouch packaging. So पीछे आप लोगों को सारा सब कुछ mention है like इसका price, quantity and ये ऐसे pouch form में आता है तो आप easily purse में carry कर सकते हो। इसका ऐसा दो fruit applicator है and काफ़ी easily travel purpose के लिए काफ़ी अच्छा होगा ऐसे वाले packaging. Now let's talk about the formula. This is वेरी लाइट वेट लाइक द लैक्मी फॉर एवर वन, बट लैक्मी का जो था ना वो एक स्वाइप में आप लोगों को लाइक फुल ओपेक पिगमेंटेशन नहीं मिलता है, बट इसमें ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार ही स्वाइप करोगे तो आपके लिप्स पर ये ओपेक वाला पिगमेंटेशन आ जाएगा इस लिपस्टिक का। एंड सबसे अच्छा बात जो मुझे लगा है इस लिपस्टिक में, ये जो चारों शेड मेबलिन ने निकाला है सिर्फ फेयर स्किन टोन को सुइटेबल होगा एंड डस्की स्किन टोन के लिए कोई भी शेड पाउच में नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों के चारों शेड मोस्ट ऑफ देम आर सुइटेबल फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन। सिर्फ एक और दो शेड है इन चारों में से जो कि डीपर स्किन टोन को सूट नहीं करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कितनी देर आपके लिप्स पर रहेगा। तो 4 to 5 hours मैक्स टू मैक्स ये आपके लिप्स पर रहता है। तो आप कुछ ऑयली फूड वगैरह खाओगे तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। दैट्स इट फॉर द फॉर्मूला। काफी ज्यादा कंफर्टेबल है लिप्स पर, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा लिप बम अप्लाई कर लो आपके लिप्स पर, ताकि इसका फॉर्मूला उतना ज्यादा ड्राइंग नहीं है बट उतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। दिस इज द माई पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स स्वॉच ऑल ऑफ देम एंड मैं हैंड स्वॉच एंड लिप स्वॉच दोनों ही दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कि एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्वॉच अ सॉफ्ट वाइन 02। सो दैट इज हाउ द एप्लीकेटर इज लुक लाइक, वेरी नाइस एप्लीकेटर। एंड देन ये मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा ब्रीक रेड काइंड ऑफ अ शेड आ रहा था जिसमें वाइन का थोड़ा सा टच है, दैट्स वाई आई थिंक इट्स कॉल्ड सॉफ्ट वाइन। कलर काफ़ी अच्छा है, एवरी स्किन टोन को सूट करेगा, फेयर टू मीडियम टू डीप डस्की जो भी हो अच्छा लगेगा आपके ऊपर। फेस्टिव सीजन के लिए काफ़ी अच्छा लिपस्टिक का कलर है। तो दैट इज हाउ द हैंड स्वॉच इज लुक लाइक एज यू कैन सी। मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश किया। नाउ आई एम गोइंग टू स्वॉच स्ट्रिप इट ऑफ 02। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी एक पेल न्यूड शेड है, इसमें थोड़ा सा कोरल एंड ऑरेंज का आई थिंक मिक्सचर है एंड ये काफ़ी लाइटर टोन में शेड है। एंड इफ़ यू हैव मीडियम स्किन टोन आई थिंक ये आपके ऊपर सूट करेगा, बट आप डस्की स्किन टोन में से हो, मेरे जैसे हो तो भी सूट नहीं करेगा, वॉश आउट कर जाएगा। एंड ये विथ मेकअप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड दैट इज हाउ द स्ट्रिप इट ऑफ इस लुक लाइक 02।
So this is 01 Bear It All. So this is also a very pale nude shade. This is I would suggest for fair skin tone. फेयर एंड कूल टोन के आप हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो एंड स्मोकी आई मेकअप वगैरह के साथ आई थिंक ये अच्छा लगेगा. ये थोड़ा सा पीचिश काइंड ऑफ अ शेड है जिसमें बहुत ही पेल न्यूड शेड है तो इसमें कोई भी ब्राउन के थोड़े बहुत अंडरटोन है एंड दैट इज हाउ द बियर इट ऑल इज लुक लाइक. एंड देन आई एम गोना स्वाच 06 बेस्ट बेब. दिस इज अ नाइस शेड, प्रॉपर पिंक न्यूड शेड, थोड़ा सा लाइटर टोन में, काफ़ी अच्छा शेड है. तो आप मीडियम टू डस्की इसे ट्राई कर सकते हो विथ मेकअप एंड स्मोकी आई मेकअप के साथ. ये भी शेड काफ़ी अच्छा लगेगा एंड ये शेड मेरे को थोड़ा सा सूट कर रहा था एंड दैट इज हाउ द हैंड स्वाच इज लुकिंग लाइक. एंड दिस इज द लिप स्वाच. So these are the swatches from this Maybelline Sensational Pouch Mini Lipstick. So I would suggest के आप इन चारों में से चारों मत लो क्योंकि some of वो जो दो शेड है number one is Bear It All and then this one is Strip It Off. This two shade are very pale nude shade. As you can see on my hand, मेरे hands पर ये जो like ये दोनों शेड मेरे हैंड्स पर लाइक आप लोगों को दिख भी नहीं रहे हैं. ये दैट मच न्यूड पेल न्यूड शेड है. आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे काफी ज्यादा वार्म टोन एंड न्यूड कुछ ब्राउन न्यूड पिंक न्यूड शेड ज्यादा पसंद है बट इसमें थोड़ा सा कोरल एंड पीच के हिंट है. तो इफ यू हैव वेरी फेयर स्किन टोन अब बहुत ज्यादा फेयर हो तो आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा. ऑल दो आपका मीडियम स्किन टोन है तो आप काफी अच्छा स्मोकी आई क्रिएट करते हो एंड देन आपके माउथ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन वगैरह रहता है उनको आप अच्छे से कैंसिल आउट करते हो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करके और दो एक लाइट कलर का हाईलाइटिंग कंसीलर वगैरह यूज करते हो तो तभी आपके ऊपर काफी अच्छा लगेगा. डोंट ट्राई टू यूज इट ऑन बेयर फेस, काफी गंदा लगेगा. दिस शेड्स आर ऑन bare face and as the name suggests bear it all it's not look that good but ab makeup wagera karke ho to acha lagega. ye dono shade strip it off and bear it all and ye bahut hi pale nude shade hai. I would suggest ke आप इस दोनों शेड को ट्राई आउट कर सकते हो. नंबर वन इज सॉफ्ट वाइन एंड दिस वन इज 06 बेस्ट बेब. दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग शेड ऑफ दिस रेंज. बेस्ट बेब वाला ये वाला जो शेड है काफी अच्छा पिंक न्यूड शेड है, प्रॉपर पिंक न्यूड शेड है, थोड़ा सा लाइटर टोन में. इसमें कोई भी ब्राउन के हिंट नहीं है, कोई भी मॉफ का हिंट नहीं है, प्रॉपर पिंक न्यूड शेड है. इसके साथ आप ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, ब्लू स्मोकी आई मेकअप के साथ दिस लिपस्टिक इट्स रियली सूट वेरी वेल. तो इस दोनों शेड को आप ट्राई आउट करके देख सकते हो, काफी अच्छा रहेगा फॉर एवरी स्किन टोन. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. आई होप मेरा ये मेबलिन सेंसेशनल मिनी पाउच लिपस्टिक का रिव्यू एंड स्वाचेस आप लोगों को पसंद आया होगा ऑन माई ब्राउन स्किन. एंड अब ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो नो मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू मेक दिस काइंड ऑफ अ वीडियो फॉर यू गाइज. एंड one more thing I thought of making a lipstick video, one more lipstick review which is blue heaven ka aane wala hai. Aap log interested ho to is video ko like kar dena and do comment down below ke ye video kaisa laga and subscribe to my channel and hit the bell button and meet the next video mein. Take care of yourself, take care of your family and bye.